मैंने आज तक आप दोस्तों से कभी कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आज मैं आपसे इल्तमास करता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप सब जानते हैं ईद उल जुहा जो करीब है, तो हर घर में जाहिर मेहमान भी आएंगे और हम घर में गोश्त भी बनाएंगे, हम खाना भी पकाएंगे, हमारे घरों में मेहमान दोस्त अहबाब आएंगे। लेकिन आज मेरे साथ एक वादा करें कि ये जो पेप्सी और इसराइल की जितनी मसनूआत हैं, जितनी भी इसराइल की मसनूआत हैं, आज हम इनका बायकॉट करेंगे। और तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आइए आज एज ए मुस्लिम उनके मुसलमान होने का सबूत दें और अपने घरों में इसराइल कोल्ड ड्रिंक का मुकम्मल बायकॉट करें। खुदा की कसम, अगर हम उनके लिए जहाद नहीं कर सकते, उनके लिए अमदाद नहीं भेज सकते, उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते, हम तो जुल्म के अंधेरे में और जुल्म के आगे इतने बेबस नस्ल दर नस्ल गुलाम कितने मजबूर हो गए हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हक के लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते, अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा सकते फलस्तीन की हिमायत में इसराइल के खिलाफ। लेकिन एक चीज जो हमारे हथियार में है कि हम इसराइल जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करें। अभी देखे कितनी सेल होनी है, ये पेप्सी, ये कोक, सब हर एक शख्स को पता है कि इसराइल की कोल्ड ड्रिंक कौन कौन सी है। आज से वादा करें कि उस इसराइल जिसने हमारे मुसलमान के बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया, जिसने मुसलमान औरतों की इज्जत नफ्स को मजरूह किया, बच्चों को औरतों को बेवा किया, हम उस इसराइल की कोई प्रोडक्ट अपने घर में दाखिल नहीं करेंगे। आज आइए वादा करें ताकि हमारी एक क्यामत के दिन हुज्जत कायम हो जाए कि या अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन यहूदो नसारा के जो प्रोडक्ट थे हमने उनका मुकम्मल बायकॉट किया सिर्फ इसलिए कि वो हमारे मुसलमानों को बेगुनाह कत्ल कर रहे थे। हमारे जिस तरह के अमार हैं वो ऐसे नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन आइए एक छोटी सी ये कोशिश करते हैं कि इसराइल की जो जितनी प्रोडक्ट है उनका बायकॉट करते हैं। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला को ये हमारा अमल पसंद आ जाए और जो हमारे लिए जो बख्शिश का जो जरिया एक बन जाए। आज सब दोस्त मेरे साथ वादा करें, मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो को शेयर करें या मुझे लाइक करें, मेरा सब्सक्राइब करें चैनल को। यकीन करें, वल्ला बिल्ला मुझे अर्निंग के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अल्लाह के लिए ईद उल जुहा पर इसराइल की कोई प्रोडक्ट, कोई भी इसराइल का जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक, वो आप घर में दाखिल नहीं करेंगे। इसके मतबादल बहुत ज्यादा पाकिस्तानी प्रोडक्ट ब्रांड आ चुके हैं मार्केट में, आप उनको जो लेकर आए मेहमानों से वो उनकी हाथर मदारत करें और इसराइल का आज से मुकम्मल बायकॉट करें। तो आप सब मेरे साथ वादा करते हैं ना, इंशाल्लाह ताला हम उन पे मुसलमान होने का सबूत देंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा अम्ती होने का सबूत देंगे। तो जो हमारे मुसलमान भाइयों को बेगुनाह कत्ल कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट को हम अपने घरों में दाखिल नहीं करेंगे।